फ्लोरेंस, एक इटालियन सिटी जो अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर, डेलिशियस फूड एंड रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। वेस्टर्न वर्ल्ड के डेवलपमेंट में फ्लोरेंस ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड साइंस। मेरे लिए इटली आना हमेशा ही बहुत एक्साइटिंग होता है। अपने काम के लिए मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर इटली ही आई थी। उन 2 सालों में मैंने बहुत सारे इटली के प्लेसेस घूमे थे एंड मैं फ्लोरेंस भी आई थी, बट तब मैंने डे ट्रिप में ये ब्यूटिफुल सिटी जल्दी जल्दी कवर की थी। इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिस सिटी लेफ्ट सो मच इम्पैक्ट ऑन मी कि तब से मैं सौरभ के साथ ये सिटी वापस से आराम से एक्सप्लोर करना चाहती थी। एंड फाइनली वी आर हियर नाउ टू एक्सप्लोर दिस चार्मिंग सिटी एट अ स्लो पेस। इस वीडियो में हम आपको वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिससे आप अपनी फ्लोरेंस की ट्रैवल प्लानिंग कर सकें एंड अपने टाइम एंड पेस के अकॉर्डिंगली फ्लोरेंस को एंजॉय कर सकें। वेलकम टू फ्लोरेंस एंड लेट्स एक्सप्लोर फ्लोरेंस थ्रू देसी कपल ऑन द गो लेंस। लेट्स गो। फर्स्ट थिंग, आप फ्लोरेंस कैसे आ सकते हैं? हाउ टू रीच फ्लोरेंस? फ्लोरेंस आप फ्लाइट, ट्रेन या बस से आ सकते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फ्लाइट। फ्लोरेंस में आने के लिए मेनली 2 एयरपोर्ट्स कन्वीनियंट है, फ्लोरेंस एयरपोर्ट एंड पीसा एयरपोर्ट। फ्लोरेंस एयरपोर्ट से आप ट्रैम, बस या टैक्सी से सिटी सेंटर आ सकते हैं। ट्रैम सर्विस सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। 2 यूरोस की टिकट लेकर आप आराम से एयरपोर्ट से सिटी सेंटर 20 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बस से जाने का। शटल बस से आप 30 मिनट्स में सिटी सेंटर आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो टैक्सी भी कर सकते हैं। फ्लोरेंस एयरपोर्ट में ऑफिशियल टैक्सीज का फिक्स रेट है। लगेज के हर पीस का 1 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 यूरोस में आप टैक्सी से सिटी सेंटर 20 मिनट्स में आ सकते हैं। फ्लोरेंस के अलावा जो दूसरा सबसे पॉपुलर एंड क्लोज बाय एयरपोर्ट है वो है पीजा एयरपोर्ट। पीजा एयरपोर्ट में फ्लोरेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा एंड सस्ती फ्लाइट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। सो कई लोग फ्लोरेंस एयरपोर्ट की जगह पीजा एयरपोर्ट भी आते हैं, जैसे कि हम लोग आए थे। हमें पीजा का फ्लाइट टिकट बहुत ही सस्ता पड़ा। पीजा एयरपोर्ट से आप या तो डायरेक्ट फ्लोरेंस सिटी के लिए बस कर सकते हैं। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे अराइवल हॉल में ही जाके 17 यूरोस पर पर्सन की कॉस्ट पे बस की थी और हम 1 आवर में फ्लोरेंस के सेंट्रल स्टेशन आ गए थे। अल्टरनेटिवली आप पीजा एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन जाकर भी फ्लोरेंस के लिए ट्रेन ले सकते हैं। इसमें अराउंड 10 to 13 यूरोज़ में आप पीजा से फ्लोरेंस आ जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रेन्स की। इटली में ट्रेन सभी मेजर डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करती है एंड अगर आप ऑलरेडी यूरोप में रहते हैं या अपने यूरोपियन ट्रिप कर रहे हैं तो रोम, मिलान या वेनिस से आप फ्लोरेंस ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए आप ट्रेन इटालिया वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने इटली के ट्रेन्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इटालियन ट्रेन्स के बारे में। सिमिलर टू ट्रेन, इटली एंड यूरोप की अलग अलग सिटी से आप फ्लोरेंस बस से भी आ सकते हैं। कई बार ओवरनाइट बस से इंटरसिटी ट्रैवल करके थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल प्लान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू ट्रैवल अराउंड इन फ्लोरेंस। अनलाइक अदर बिग सिटीज ऑफ यूरोप, फ्लोरेंस इतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो आप इस पूरी सिटी को वॉक करके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिटी में बसेस एंड ट्रैम्स का नेटवर्क है जो सिटी के बाहर के एरियाज को सेंटर से कनेक्ट करता है। सो अगर आप थोड़ा बाहर रुके हैं तो आप बस या ट्रैम को यूज़ करके सिटी सेंटर पर आ सकते हैं। बट फ्लोरेंस के लिए बेस्ट है कि आप सिटी सेंटर के पास ही रहे, क्योंकि आप उससे पूरे वॉक करके पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं रहने की, तो नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन का। लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है।
इसलिए यहाँ होटल्स या अपार्टमेंट भी आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेंगे। ऑन एन एवरेज अगर सेंटर के पास आप रहना चाहते हैं तो पर नाइट अप्रॉक्सीमेटली 150 यूरो से अकोमोडेशन स्टार्ट होंगे। हम लोग जिस अपार्टमेंट में 3 डेज के लिए रुके थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। हमारा जो अकोमोडेशन है ना वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे है, क्योंकि मैं फ्लोरेंस ना पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे पता था कि पूरा फ्लोरेंस ना पैदल ही वॉक करके ही एक्सप्लोर कर सकते। तो मैंने कहा सौरभ अकोमोडेशन तो सेंट्रल लोकेशन पे होना चाहिए ताकि कहीं भी जाए कभी भी जाए और आराम से सब घूम पाए। और इसीलिए हमारा अपार्टमेंट इस ब्यूटीफुल धूमो के बहुत पास है, 5 मिनट की वॉक है और ऑलमोस्ट 8-10 मिनट की वॉक है सेंट्रल स्टेशन एज वेल। हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट कंफर्ट वाइज काफ़ी आसान हो जाता है, आप आसानी से सारी लोकेशंस बहुत बहुत आसानी से घूम सकते हैं। और एक और फ़ायदा है कि आप मॉर्निंग में आ सकते हैं इन ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखने के लिए और तब भीड़ बहुत ही कम होती है ऑलमोस्ट जीरो। हम आपको दिखाते हैं जब बहुत भीड़ होती है और अब दिखाते हैं जब बिल्कुल भीड़ नहीं है, काफ़ी कम है। भीड़ देख रहे हैं। What a difference 1 hour can make. Exactly. अगर आप सुबह आए 7:30-8 o'clock पे और आप अभी आए 9:30 पे, you will just see a lot see of the difference. और अभी और 1 घंटे बाद आएंगे ना तब तो places to see in Florence. Now this is the most fun section to plan your Florence trip. सबसे पहले हमारा recommendation होगा कि आप कम से कम 2 डेज स्पेंड करें फ्लोरेंस में ताकि आप आराम से सारे मेन प्लेसेस को देख पाएं एंड इस सिटी की हिस्ट्री आर्ट एंड चार्म को एंजॉय कर पाएं। सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी। जब भी आप फ्लोरेंस के बारे में सोचते हैं ना तो एक ये ही जो पिक्चर है ऑफ कोर्स दिमाग में आता है, या आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले इस डुओमो का इस कैथीड्रल का पिक्चर आता है और सेकंड आता है ऑफ कोर्स डेविड का। तो ये जो कैथीड्रल है इसे बोलते हैं सेंटा मारिया देल फ्योरे, जिसे लिटरली ट्रांसलेट करें ना तो है आर लेडी ऑफ फ्लावर्स। और इसे बनने में पता है कितना टाइम लगा, जैसे ताजमहल बनने में कितना टाइम लगा वैसे इसे बनने में भी 140 साल लगे हैं, 140 ईयर्स। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथीड्रल भी है और भी है, टॉप 3 में आता है, और जो उसका पीछे डोम है वो वन ऑफ द बिगेस्ट डोम है। और जब हम लोगों ने इसको देखा ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना तब भी मेरी आंखें ऐसे हो गई थी, और कल जब हम लोगों ने इसे फर्स्ट टाइम मतलब मैंने नेक्स्ट टाइम और बाकी लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा, दे वर ऑल्सो लाइक ओ माई गॉड, लाइक आंखें ऐसे हो जाती हैं। दैट्स हाउ ब्यूटिफुल दिस कैथीड्रल इज और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है ना उतना सुंदर अंदर से नहीं है, तो अगर आप अंदर नहीं जा पाए तो कोई गम नहीं है, बाहर से ही देखिए बहुत ही सुंदर है। और ऊपर जा सकते हैं, लोग ऑलरेडी ऊपर आ गए हैं, 9:30 हो रहा है और लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, तो ऊपर से आप पूरा फ्लोरेंस का व्यू देख सकते हैं। बट ऊपर जाने के लिए आपको स्टेयर से जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स बहुत पुराना कैथीड्रल है, तब लिफ्ट विफ्ट नहीं बनी थी और अब उन्होंने डाली नहीं है, तो पूरा स्टेयर से चढ़ना पड़ेगा और उस डोम के ऊपर जा सकते हैं, या फिर ये जो बेल टावर है ये तो और भी ऊंचा है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। बट लुक एट दिस ब्यूटी, एक जगह नहीं है जहाँ पे छोड़ा नहीं है उसे ब्यूटिफाई करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज लगे हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिजाइंस बनी हुई हैं और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। फ्लोरेंस में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं और एक ऐसे ही म्यूजियम है ये जिसका नाम है गैलेरिया देली उफीजी म्यूजियम। और अभी बजा है मॉर्निंग का 8 o'clock, 8:15 हुआ है और आप क्यों देख रहे हैं ऑलरेडी अंदर जाने का इतना बड़ा क्यों, वहाँ से आगे से लेके पूरा इधर टर्न होकर पूरा पीछे तक है। हम भी जाएंगे एक म्यूजियम, कौन से म्यूजियम जाएंगे वो आपको बता दिया, शायद नहीं बताया तो फिर देखते रहिए वीडियो। मैं हूँ पियाजा देल सिनोरिया पे। पियाजा मतलब क्या होता है,
पियाजा इटालियन में बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और हिंदी में चौराहा बोलते हैं। तो मैं खड़ी हूँ पियाजा डेल सिग्नोरिया पे और यहाँ पे है ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। ये है फाउंटेन ऑफ नेपच्यून, उस तरफ है डेविड। डेविड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन ऐसा कहा जाता है और उसे माइकल एंजेलो ने बनाया है। हम म्यूजियम के अंदर जाके इस बार रियल डेविड के स्टैचू को भी देखेंगे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब तो नहीं देखा था, बट और भी बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे ऐसे स्टैचूज हैं। इस ब्लैक शूज़ की जगह अगर बूट्स होते ना तो और अच्छा लगता। फॉर पिक्चर्स हाँ, बट वॉकिंग हाँ, वॉकिंग के लिए बूट्स में मेरे पिक्चर्स अच्छे आ जाएंगे, बट इतना वॉक करना पड़ता है तो फ्लोरेंस पे तो स्पेशली हाँ, हम लोग वॉक ही वॉक कर रहे हैं। और काफ़ी बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे वीडियो में भी कि ये क्या मेघा, जब देखो तब ये शूज़, बट पैर भी तो इम्पोर्टेंट है, ट्रैवल इम्पोर्टेंट है, इन्जॉय करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा आप चाहे भले ही आप सेल्फ ड्राइव करें पर आपकी गाड़ी इतनी दूर पार्क होगी एंड यू हैव टू वॉक अ लॉट, सो इसलिए कम्फर्ट शूज़ आर मस्ट, नहीं तो शाम को बहुत दर्द होगा आपको जब आप होटल पहुँच जाएंगे एंड योर होल ट्रिप कैन बी बिट मोर पेनफुल। मैं हूँ फ्लोरेंस के सेंटा मारिया नोवेल्ला पियाजा पे और जो पीछे है ये ब्यूटीफुल सा बिल्डिंग जो मार्बल का बना है वो उसको बोलते हैं चर्च है, वो भी सेंटा मारिया नोवेल्ला चर्च के नाम से है। और यहाँ पे अगर आपको अंदर जाना है तो 7.5 यूरो का टिकट है और यहाँ पर है ये इतना बड़ा सा स्क्वायर जहाँ पे आप आराम से बैठ के पीपल वॉचिंग कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल सी आर्किटेक्चुरल बिल्डिंग को एडमायर कर सकते हैं। अंदर से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, बाहर से फ्री है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल वन ऑफ द ब्यूटीफुल चर्चेस ऑफ फ्लोरेंस। अगर आप घूमने के साथ साथ शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी हाई एंड ब्रांड्स का शॉपिंग, तो ऑफ कोर्स यू आर इन इटली। सारे हाई एंड ब्रांड्स मिलेंगे आपको इस लेन में और इस ब्यूटीफुल सी लेन का मैंने नाम लिख दिया है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है, बट इट्स रियली सो ब्यूटीफुल एंड मॉर्निंग में तो और भी अच्छी लग रही है। वैसे मैं लग्जरी ब्रांड्स और इन सब में से कभी शॉपिंग नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा लग्जरी ब्रांड का ऐसा कोई बैग वैग भी नहीं है, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लेन। अगर आपको ट्रैवल के वक्त किसी सिटी को एज ए लोकल फील करने में मज़ा आता है तो आपको उस सिटी के मार्केट्स एक्सप्लोर करना चाहिए। फ्लोरेंस में भी ऐसे मार्केट्स हैं एंड द मोस्ट फेमस वन इज मर्कातो सेंट्रले फिरेंजे, दैट मीन्स सेंट्रल मार्केट ऑफ फ्लोरेंस। ये एक्चुअली एक फूड मार्केट है एंड यहाँ पर आप लोकल लोगों के साथ फ्लोरेंस की वाइब को इन्जॉय कर सकते हैं। इस मार्केट के बाहर ही आपको बहुत सारी लेदर्स की शॉप भी मिल जाएंगी। हमने फ्लोरेंस के लोकल मार्केट के लिए एक अलग वीडियो बनाया है तो आपको उस वीडियो में सारी और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये इधर भीड़ दिख रही है तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन हो रहा है विच इज़ फनी ट्रेडिशन। उधर एक पिग टाइप का स्टैचू बना है, उसके आपको मुंह में कॉइन डालना है और अगर वो कॉइन नीचे गिर गया तो फिर आप वापस फ्लोरेंस आते हैं, क्या आपका विश पूरा हो जाता है इसी टाइप से कुछ। तो मैंने ऑलरेडी सबसे छोटा कॉइन 5 सेंट्स डाला है, लिया है और अब अम्ब्रेला बंद करना होगा क्योंकि इतनी भीड़ है और बारिश तो हो ही रही है, तो चलो वो करते हैं। मर्काटो डेल पोर्सेलिनो मार्केट के नेक्स्ट ही आप ये फाउंटेन मिस नहीं कर पाएंगे। टूरिस्ट एंड लोकल्स इस पिग स्टैचू की नोज टच करने को लकी मानते हैं एंड एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस जो सब लोग वहाँ फॉलो करते हैं वो नोज टच करने के बाद पिक के माउथ में रब करके कॉइन रखते हैं एंड अगर कॉइन नीचे फाउंटेन के ग्रेट्स में चला जाए तो फिर वो लक लाता है। तो ये है ट्रेडिशन। वेल वी ट्राइड फ्यू टाइम्स बट नहीं हुआ। नाउ लकी होने के लिए लगता है किसी और सिटी में जाके कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। मैं हूँ पियाजा माइकल एंजेलो पे जो कि एक व्यू पॉइंट है इस फ्लोरेंस का। अभी दिखाते आपको, देखने से पहले आपको लगेगा क्या कि क्या व्यू पॉइंट होगा, बट यू हैव टू सी दिस। नाउ एंजॉय द फ्लोरेंस व्यू फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट। तो अभी आपको वो जो ब्रिज दिख रहा है, जो सबसे अच्छा ब्रिज दिख रहा है वो है पोंटे वेच्चियो जो आपको दिखा चुके हैं।
फिर उधर आपको वो दिख रहा है द फेमस डुओमो, उसका डोम दिख रहे हैं कितना बड़ा और कितना ह्यूज है यार वो पूरा कैथीड्रल। और फिर ये दूसरे दूसरे चर्चेज, और ये जो मेन मेन ब्राउन बिल्डिंग है, और वो जो जो दिख रहा है एक पिलर उधर, वो अकेडमिया जो प्याजा था जहाँ पे फेक डेविड का स्टैचू लगा है वो उस तरफ है। और जो ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना बीच बीच में, ये यहाँ पे मेडिची जो फैमिली थी उनका पैलेसेस और घर थे। और वो एक और कैथीड्रल है, दैट वन। फ्लोरेंस इज रियली ब्यूटिफुल। Florence is also known for Michelangelo's David statue. 1501 में 26-year-old Michelangelo ने एक चैलेंज लेके एक ब्लॉक ऑफ मार्बल से ये ब्यूटिफुल स्टैच्यू को कार्व किया था। उससे पहले भी कई आर्टिस्ट ये ट्राई कर चुके थे बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। डेविड की इंस्पिरेशन बाइबल की स्टोरी से है जहां ये यंग शेपर्ड डेविड एक माइटी वॉरियर गोलियात को हरा देता है और किंग बन जाता है। ये स्टैच्यू आर्ट के पर्सपेक्टिव से मास्टरपीस है एंड ओवर द टाइम फ्लोरेंस के सिविल मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये स्टैच्यू डैमेज हो गई थी, इसलिए लेटर इसको पियाजा से गैलेरिया डेल अकेडमिया में शिफ्ट कर दिया था एंड एक रेप्लिका वहाँ ओपन में भी लगा दी गई है। क्योंकि ये बहुत ही फेमस है सो अगर आपको म्यूजियम में असली डेविड की स्टैच्यू देखनी है तो आपको टिकट्स ऑनलाइन एडवांस में बुक करना पड़ेगा, बट उसके बाद भी क्यू काफ़ी लंबी होती है। एक और ऑप्शन है स्किप द लाइन टिकट, इससे विद टूर गाइड आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है एंड काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट अगर आपको क्यू स्किप करनी है और थोड़ा टाइम सेव करना है देन दोज एक्स्ट्रा बक्स आर टोटली वर्थ इट। हमने जिस कंपनी से बुक किया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। मेरे पीछे का ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड देख रहे हैं, दैट्स पोंटे वेचियो ब्रिज, और ये है आर्नो रिवर, और ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं। इस ब्रिज का सबसे फेमस बात यह है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इस ब्रिज को, वर्ल्ड वॉर टू, इस ब्रिज को हिटलर ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बाकी सारे ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गए थे। और एक बार जब फ्लड आया था विच वॉज रिसेंटली 1960s, तब भी ये वाला ब्रिज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और सारे ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गए। वॉट टू ईट इन फ्लोरेंस, तो हम हमारा डे स्टार्ट करने वाले हैं डेजर्ट के साथ एक्चुअली, हाँ, क्योंकि अब जस्ट घर से उतरे और यहाँ इतना भीड़ था। सो ये बिस्किट इसके अंदर खाएंगे, कैसे खाएंगे, वेट एंड वॉच। इट्स डिफरेंट, आई थिंक बिस्किट अलग से ज्यादा अच्छा है। Italian food is one of the best in the world and Florence specially is a place जहाँ पर आपको बहुत सारे amazing food options मिल जाएंगे। Florence में सबसे famous है gelato and क्या आप जानते हैं क्यों famous है ये? क्योंकि gelato का origin Florence city से ही हुआ था, इसलिए यहाँ की famous gelato को आप बिल्कुल भी miss मत करिए। हम लोगों ने city की oldest shop विवोली में जलातो ट्राई किया था एंड इट वॉज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट जलातोस। फ्लोरेंस इटली के टस्करी रीजन में है एंड ये अपने वाइन के लिए भी फेमस है, बट लेट मी शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। फ्लोरेंस में मेडिवल टाइम से पुशेत्ते दल वीनो, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है वाइन होल, एक इंटरेस्टिंग वे है वाइन सेल करने के लिए। ओल्ड टाइम्स में लोग टैक्सेस सेव करने के लिए इन होल्स के थ्रू वाइन सेल करते थे। इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक इट वॉज यूज टू सेल एंड स्टे सेफ। वैसे आजकल ये थोड़ा टूरिस्टिक हो गया है एंड ना सिर्फ वाइन बट फूड, आइसक्रीम्स एंड कॉफी भी मिलने लगी है, बट इट्स जस्ट फन टू ट्राई वन ऑफ द ओल्ड वेज टू बाय वाइन थ्रू दिस विंडोज। इसके अलावा फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्लोरेंस में एंड हम रिकमेंड करेंगे कि आप कोई अच्छा सा लोकल इटालियन रेस्टोरेंट ढूंढकर ऑथेंटिक टेस्ट एंजॉय करें। हम लोगों ने ऐसे ही एक इटालियन रेस्टोरेंट अदाजियो में डिनर किया था एंड इट वाज सुपर डिलीशियस। आ गया हमारा पहला डिश, वो है ये ब्रुशेता है
एक्चुअली ये बेबी प्रशाता है, अभी अभी पैदा हुआ है प्रशाता, तो तीन ब्रेड के क्यूब, छोटे से पीस एंड छोटे से टमाटर. हियर इज द बेबी प्रशाता, सौरभ की भाषा में. फ्लोरेंस में वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पिज्ज़ा, पास्ता, फोकाचिया एक्सेट्रा. तो आप कोई भी जो रेस्टोरेंट में जाएं, इनमें से बहुत सारी डिशेस को ऑर्डर कर सकते हैं. तो हम लोगों की डिश आ गई है, और इस डिश का नाम ना मैं देख के बताती हूँ. तो इस ये है रिकोटा एंड पोटैटो टॉर्टेली. ये तो ईजी है, दिस इज एंड ये पेस्टो सॉस है ऊपर. और ये जो है इंटरेस्टिंग सा, ये टाइप ऑफ स्टार्टर है, एपेटाइजर. और ये है केव एज्ड पेकोरिनो फ्लान. तो वी आर डन विद द डिनर. और ये था प्लेस का नाम, और अमेजिंग डिनर था ये, तो मैं बताने ही भूल गई कि अमेजिंग सा डिनर था. बहुत ही अच्छा वो पेस्तो वाला पास्ता था, और डेजर्ट्स भी अच्छे थे. एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी. थोड़ा कॉस्ट जो है वो थोड़ा मिड से थोड़ा सा हाई साइड था. इट वॉज नाइस. अराउंड 100 यूरोस का बिल आएगा अगर आप टू कोर्स का मील करेंगे विद डेजर्ट भी, तो 3 कोर्स मील ऑलमोस्ट. नाउ इट्स टाइम टू गो होम. 20 मिनट्स का वॉक एंड द शूज विल वर्क. फूड सर्च करते वक्त हमें इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिले थे, और उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा था. बट फ्लोरेंस में हमने इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर या लंच ट्राई नहीं किया. बट अगर आपको इंडियन फूड खाना हो तो फ्लोरेंस में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे. तो इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिससे आप फ्लोरेंस की ट्रिप अपनी प्लान कर सकें. और अगर कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि हमारी ट्रैवल कम्युनिटी इतनी बड़ी होती जा रही है और वो इतना रिसर्च करते हैं, तो अगर आपको पता है कि कुछ मिस हो गया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा. और अगर आप फ्लोरेंस आते हैं ये वीडियो देख के, तो मुझे बताइएगा ज़रूर. सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल ब्रिज ऑफ फ्लोरेंस. टिल देन बाय.